अगर आप बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। वैसे तो निवेश के कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, FD, PF और PPF जैसे विकल्पों में सिंपल इंटरेस्ट यानी जिसे सामान्य ब्याज कहा जाता है वो लगता है, वही म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस में चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। आम भाषा में इसे इंटरेस्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका कनेक्शन एक महान साइंटिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता से है जिन्हें दुनिया अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। जर्मनी में जन्मे आइंस्टाइन के कितने ही फॉर्मूले आपने स्कूल कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स में पढ़े होंगे। यहाँ उन्हीं आइंस्टाइन की बात की जा रही है जिनकी डेथ के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया था। साइंस जगत आज भी उनके दिमाग का लोहा मानता है। उनकी गिनती विश्व प्रसिद्ध थियोरेटिकल फिजिसिस्ट की लिस्ट में की जाती है। लेकिन अब सवाल ये कि आइंस्टाइन का कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या कनेक्शन है? आइंस्टाइन का कंपाउंड इंटरेस्ट से कनेक्शन, ये समझने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि रियल एस्टेट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ग्राम स्टीफन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट को ट्वीट किया था। कोट अंग्रेजी में है जिसका अनुवाद ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आठवां अजूबा है, जो इसे समझता है कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। माना जाता है कि विज्ञान के लिहाज से एक से बढ़कर एक फॉर्मूले और थ्योरी लाने वाले आइंस्टाइन ने ही कंपाउंड इंटरेस्ट की खोज की थी, जो कि निवेशकों के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। माना जाता है कि इसका सही ज्ञान हो तो पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ ये भी बता दें कि एक मत ये भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज की उत्पत्ति बेबीलोनियन काल यानी लगभग 2000 से 1600 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि उस समय के लोग चक्रवृद्धि ब्याज को सिबत सिबितम कहते थे, जिसका अनुवाद ब्याज पर ब्याज होता है। बहरहाल ओरिजिन जो भी हो, ये चक्रवृद्धि ब्याज एक कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, अब ये तफसील से जान लेते हैं। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? ये गणित का सिद्धांत है जिसमें निवेशक को इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पैसों पर एक साल के अंदर जितना ब्याज मिला है उसके अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज मूलधन और पहले साल में मिले ब्याज को जोड़कर होगा, यानी साल दर साल ये रकम बढ़ती चली जाएगी। चलिए इसका गणित समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का गणित, गणित की परीक्षा में आपने कई सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए होंगे जिनकी शुरुआत मान लीजिए से होती होगी। बस उसी तरह मान लीजिए से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए 1,00,000 रुपए की FD कराई है और इस पर आपको सालाना 7% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आपको हर साल 7,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर मिलेंगे, यानी 5 साल बाद FD की रकम बढ़कर 1.35 लाख रुपए हो जाएगी। मगर अगर आपको इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो ब्याज के रूप में 5,000 रुपए ज्यादा का भुगतान होगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।